अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज एक नई एप्लीकेशन का तारुफ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन को हासिल करने के लिए आप नुजहतुल क़ारी प्ले स्टोर पर लिखें। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे नुजहतुल क़ारी और आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में जो अफाज सॉफ्ट की जानिब से एप्लीकेशन नज़र आएगी नुजहतुल क़ारी शरह बुखारी। अभी तो बेटा वर्शन में है, मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों स्टेबल वर्जन आ चुका हो। आप इसको यहीं से इंस्टॉल कर लें। हम अभी मेरे पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, तकरीबन 15.21 MB का ये सॉफ्टवेयर है। मुमकिन है कि आपके मोबाइल के वर्शन और मोबाइल के मॉडल पे भी इसका कुछ कम ज़्यादा साइज़ नज़र आएगा, तो इसको आप ओपन कर लें इंस्टॉल होने के बाद। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको इस तरह से एप्लीकेशन खुलेगी और आपको ये परमिशन पूछेगा, तो आप इसको अलाउ कर लें। और इसके बाद यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे शराइत व ज़वाबित लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लें, गौर से पढ़ लें, फिर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट लगा के सबमिट कर लें। जैसे सबमिट करेंगे तो इस तरह इंटरफेस के साथ ही एप्लीकेशन खुल जाएगी। यहाँ पर देखें जिल नज़र आ रही है, आखिरी पड़ाव मतन नज़र आ रहा है, महफूज जिल नज़र आ रहा है, तलाश नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेनू भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। सेटिंग हेल्प अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस अवॉटर्स में तो डेवलपर के हवाले से है। हेल्प में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और अवॉटर्स में आप तकरीबन इस तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है मकतबा अहले सुन्नत के इश्तराक के साथ पेश की जा रही है और जिसके रूही रवान जनाब अहमद रज़ा कादरी साहब हैं। इसके डेवलपर हैं ग़ुलाम रब्बानी फ़िता और साइम अंसारी साहब। यहाँ पर जिल पर क्लिक करेंगे तो आपको शरह सही बुखारी नुजहतुल क़ारी के आप जिस जिल्द पे पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ से देख लें आपको जिस जिल्द को पढ़ना है। यहाँ पे तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। आप फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग नज़र आएंगी, आप सेटिंग कर लें यहाँ से जितना फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए आपको। और इसका है जो सुर्खी है वो ब्लू कलर में है और अरबी इबारत ब्लैक कलर में है और जो उर्दू तर्जुमा और शरह है वो मुख्तलिफ कलर में है। इसको आप यहाँ पे ऐड टू बुक मार करके आप इसको कोई नेम दे के सर्च सेव भी कर सकते हैं, ऐड कर लें फिर यहाँ से ब्याक हो जाएं। आप यहाँ पे कोई भी जैसे कोई बात तक जाना चाहते हैं, कोई उनवान तक पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हाजिर। तो जितनी जगहों पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा वो तमाम चीज़ें यहाँ नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको यहाँ ओपन करके जब यहाँ पर भी जाएँगे तो यहाँ पर भी बाप के साथ आपको तमाम फहरिस्त पर भी यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी कौन सी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है या फिर शुरुआत से पढ़नी है, दरमियान से पढ़नी है, आपके मिजाज पर मुनहासिर है। वही के अकसाम पर क्लिक करेंगे तो वही के अकसाम आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इसी तरह से आप पाँचों जिल्दों का भी मुतालिया कर सकते हैं। चीज़ ये भी है कि जब आखिरी पड़ाव मतन पर जब क्लिक करेंगे तो आपने पहले जहाँ से मुतालिया कर रहे थे, जहाँ छोड़ कर गए थे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपने बुकमार्क जो किया होगा वो नज़र आ रहा होगा और साथ ही तलाश का भी आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप जैसे कोई चीज़ यहाँ पे तलाश करना चाहते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ वफ़ा, ऐड पे क्लिक करूँगा तो नुजहतुल क़ारी जिल्द अव्वल में जितनी जगह पे वफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो तमाम चीज़ें मुझे 56 जगह पर नज़र आ रही है। आप बाय जिल्द भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से जिल्द पे सिलेक्ट करके जिल्द सुवम, तो जिल्द सुवम में 33 मरतबा है। इसी तरह से जिल चारों में भी देख सकते हैं, पंजों में भी देख सकते हैं आप, इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं। ये नुजहतुल क़ारी की शरह जो है हुज़ूर फ़क़ीह आज़म हिंद अल्लामा शरीफुल हक़ अमजदी अला रहमत रिज़वान की है। इस एप्लीकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या शेयर करने के लिए आपको नुजहतुल क़ारी शरह सहीहुल बुखारी के बगल में जो है शेयर का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंस्टॉल करें, अपने अहबाब तक पहुँचाएँ। तलबा और असातिज़ा हैं उन लोगों के लिए बड़ी काम की और मुफीद चीज़ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।